मुझे घर वाले बोलते क्यों करता तू ऐसे, बट चोरों के घर से नहीं हूँ मैं। मुझे अच्छी लगती है, बट क्रश नहीं थी कोई भी। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें, अवार्ड ही तो है। प्यार में मारने का मन करता है कभी कभी, एक दो लगाने। सेक्सी का क्या करूँगा जब दिमाग ही नहीं होगा तो। कोई वरुण धवन जैसा बोल देता है, कभी कोई बोलता है कि तुम शाहरुख की तरह करते हो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जीरो से हीरो। ओ मेरा बच्चा। हाय इट्स मी नमीश तनेजा, यू आर वॉचिंग मी ऑन टेलीचस्का। हाय गाइज, वेलकम टू टेलीचस्का। एंड आज हमें नमीश के साथ में, तो उनके सारे राज खुलने वाले बेसिकली। हाँ, मैं अपने सारे राज खोल दूंगा आज, अपने सब सच बता दूंगा। लेट्स सी कितने ऑनेस्टी के साथ आप आंसर करते हैं। आई विश मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ बोलूंगा। ये कैसी ऑनेस्टी है? ये ऐसी ऑनेस्टी है हमारी इंडिया की जनता समझती है, ये वाली ऑनेस्टी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर वॉक्ड ओवर समवन व्हाइल दे वर शावरिंग, और हैव एनीवन वॉक्ड इनटू द बाथरूम व्हाइल यू वर शावरिंग? ना, नो, नहीं, कभी नहीं। आई विश कोई आ जाए ऐसा। आज आ जाए मतलब फीमेल। हैव यू एवर डबल डेटेड? नो, बचपन में कभी। अच्छा, मतलब जब मैं 14-15 साल का था तब। हाँ, उसका कर्म भी मेरे ऊपर हो गया था, तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, डबल डेट कभी नहीं करना है। ओके, हैव यू एवर टेकन होटल सप्लाइज आफ्टर द स्टे एट योर होटल? होटल सप्लाइज एज इन शैम्पू की बॉटल? हाँ, अरे वो तो हमारा हक है पूरा। जितने भी सामान होते हैं मैं तो ले जाता हूँ, मुझे पसंद है। हाँ। मुझे घर वाले बोलते क्यों करता तू ऐसे, बट मेरा मतलब एक दिल से खुशी मिलती है मुझे। ओके, हैव यू एवर बीन कॉट बाय अ टिकट चेकर फॉर नॉट हैविंग अ टिकट? टिकट नहीं, कभी नहीं। मैं ट्रैवल ही नहीं किया कभी। मतलब टिकट कहाँ पे चेक होती है? मतलब ट्रेन में मोस्टली, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल। नहीं नहीं नहीं, थोड़े एटिकेट्स थे मेरे अंदर, मैं हमेशा तरीके से जाता था टिकट बाय करके, कभी ऐसे ही नहीं चढ़ गया। कोई चोरों के घर से नहीं हूँ मैं। ओके, हैव यू एवर हैड अ क्रश ऑन अ कोस्टार? क्रश कोस्टार पे नहीं। मुझे अच्छी लगती है पर क्रश नहीं थी कोई भी। अच्छी तो सब लगती है। In an award ceremony, have you ever felt that you deserved the award more than the winner when it came to a particular award category? हाँ, एक था जब मैं, मेरा फर्स्ट शो जो सुपर हिट शो था, तब मुझे ऐसा लगा था कि यार मुझे देना चाहिए था, नहीं दिया। कोई बात, ठीक है, कोई नहीं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें, अवार्ड ही तो है। Wow. Any weird date have you been to? Weird date? हाँ. मतलब with the जो है उसके साथ या किसी किसी के भी साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा? वियर्ड डेट नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा, सब अच्छी रही है डेट्स मेरी। हैव यू एवर हैड दिस फीलिंग ऑफ बीटिंग अप अ को-स्टार एट एनी टाइम ऑफ योर करियर? मतलब ऐसे गुस्से में ही मारने का मन नहीं किया, बट प्यार में मारने का मन करता है कभी कभी, एक दो लगाने। जैसे अपनी श्रेणुका, मैं उसको टपली दे देता हूँ कभी कभी। तो मैं कब से मैनिफेस्ट कर रहा था यार, मन तो था एक टपली दे दूँ, बट मौका ही नहीं आ रहा था। तो चलते हुए सीन में सर ने बोला, अरे इसके कुछ तो था हमारा। हाँ, कॉमेडी वाला कुछ चल रहा था, नॉक जोक था। हाँ, वो कुछ ऐसे बहुत सेंटी हो जाती, तो मैं उसके सर पे टपली मारता हूँ। तो मैंने बोला मैंने तेरे को दिल से मारा है। वाओ, इफ यू हैड टू चूज वन थिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड इट बी? बीइंग स्मार्ट और सेक्सी? बीइंग स्मार्ट। सेक्सी का क्या करूँगा जब दिमाग ही नहीं होगा तो। स्मार्ट। हाँ वही। Have you ever heard that you look similar to anyone from this industry? हाँ, कभी कभी जब मैं हेयर कट कर लेता था, हैवी हो जाता, तो कभी कोई वरुण धवन जैसा बोल देता है, कभी कोई बोलता है कि तुम शाहरुख की तरह करते हो, कभी अगर अभी बहुत पतला हो गया था तो कोई बोला था रणबीर की तरह। क्या करे ब्रो, अभी सब बोलेंगे। मैं नमीश तनेजा ब्रो, बड़ी मेहनत से नाम बनाया अपना, बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बनाओ। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बस मैं उतरा हूँ मैदान में, सीख रहा हूँ। इफ योर लाइफ वाज अ नॉवल, व्हाट वुड बी द टाइटल ऑफ इट? जीरो से हीरो। नाइस। इफ यू कुड हैव द आंसर टू एनी क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन दैट वुड बी? व्हाट लाइक इफ आई हैव टू आंसर एनी क्वेश्चन? हां, उसका क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या होगा? हां, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी
मतलब क्वेश्चन भी मैं ही करूँ, आंसर भी मैं ही करूँ यार। तो क्या बनना है मुझे? सुपरस्टार बनना है। ओके, इफ यू हैड टू टाइम ट्रैवल, वेयर वुड यू ट्रैवल, इन द पास्ट और इन द फ्यूचर? पास्ट। कौन से एरा में, कुछ स्पेसिफिक देखना चाहूँगा? मतलब अब टाइम ट्रैवल में अगर मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ तो मैं पास्ट में जाऊँगा। मुझे थोड़ी सेविंग्स जो मैंने उड़ाई हैं बहुत ज़्यादा, वो सेव करना, और कुछ नहीं, और थोड़ा सा और आ, आ, और अच्छे डिसीजन ले पाऊँगा। ओके, लास्टली डिड यू लाइड इन दिस सेगमेंट? नो, ऑनेस्ट सब सब वाला ऑनेस्ट बिल्कुल ही नहीं, ये वाला नहीं था, बिल्कुल ही सच ही था। मतलब अभी तक ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी झूठ बोलने की। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को, क्या कुछ? और मैं अपने फैंस को ये कहूँगा कि यार आपने मुझे बहुत प्यार दिया, ऐसे प्यार करते रहिए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एंटरटेन करने की। और टेलीचेस का कि ये इंटरव्यू बहुत अच्छा है, सेगमेंट बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ वॉच दिस। और मैं अपने शो के दौरान आपको एंटरटेन करा, और आपको जो मेरा हमेशा से फेवरेट वो मस्ती वाला नमिश पसंद है आपको, तो आप इस शो में भी वैसे ही ट्रैक्स आ रहे हैं बिल्कुल मस्ती वाले, तो देखिए हमारा शो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप सबके लिए आपका फेवरेट डायलॉग, ओ मेरा बच्चा।